मैनपुरी में आगामी 5 दिसंबर को होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से रघुराज सिंह शाके तो समाज पार्टी में मुलायम यादव की बहू अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। सपा के गढ़ मैनपुरी से रघुराज सिंह को भारी मतों से जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के नेता मैनपुरी में मतदाताओं से जनसंपर्क कर मांग कर रहे हैं कि तो वही सपा सुप्रीमो मैनपुरी के गढ़ व पिता की विरासत को बचाने सपा प्रत्याशी जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते आज अखिलेश यादव ने जिला कार्यालय पर जिले के पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह के दौरान पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मतदान की अपील की। तो वही शहर के एक मैरिज हॉल में आयोजित मैथिल ब्राह्मण समाज की नुक्कड़ सभा में भी भाग लिया, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट की किस तरह अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। उसको वोट दे दिया, आज तो हम सब आपसे वोट मांगे। आपसे विश्वकर्मा जी तो मांग ही रहे हैं और आपके समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आपसे वोट मांग रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इस लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए आप और भी आगे लोगों से सहयोग समर्थन मांगेंगे, जिससे कि मैनपुरी का परिणाम ऐतिहासिक हो, परिणाम ऐसा हो कि देश देखे कि आखिर क्या हुआ है। जहां तक और सवाल है, महंगाई आपके सामने है, महंगाई किसी से छिपी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कीमत छिपी नहीं है, रोजगार के नाम पर वोट लिया लेकिन रोजगार है कहां पर, अग्निवीर जैसी व्यवस्था ले आए जिसमें नौजवानों को कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिलती, फौज में अगर आप जाएंगे तो 4 साल के बाद वापिस कर दिए जाएंगे, जो संविधान ने हमें आपको अधिकार दिए वो भी छीने जा रहे, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं आजादी के बाद खड़ी हुई उन संस्थाओं को खत्म कर दिया। और मिलने किया मैंने इसलिए कार्यक्रम बनाया कि अगर आप लोग भी अपने बूथ स्तर पे गांव में रह करके पार्टी की मदद कर देंगे तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज अभी तक की मैनपुरी से समाजवादी पार्टी।